वो आरा का रहने वाला है, कहाँ स्टूडियो है, जाकर वहाँ आप लोग मारपीट करिए और वहीं अरेस्ट करिए। पदाधिकारी कहेगा कि निचला स्तर पर जाइए, निचला अधिकारी के ऊपर जाइए। अब इस तरह का एफआईआर नहीं ले तो हमको ये लग रहा है या तो थाना डर रही है या तो किसी तरह का समझौता है कि एफआईआर करने लोग आएंगे, आप एफआईआर मत करिए। नहीं लिया तो फिर उसके बाद कोर्ट जाएंगे, रोड पर उतरेंगे और फिर नया लगे तो लास्ट में फिर हम लोग वही करेंगे। भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी ने जब से बहन कुमारी मायावती और चिराग पासवान पर जिस तरीके से गीत के माध्यम से जो उन पर ओछी टिप्पणी की है उसको लेकर लगातार जो है थाना में जो है आवेदन दिया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है। लेकिन अभी जहां पर मैं मौजूद हूं ये बिहार का बक्सर जिला का राजपुर थाना है और देखिए बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, एफआईआर दर्ज करने आए थे, क्या हुआ कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या हुआ, आप लोग एफआईआर दर्ज करने आए थे? एफआईआर दर्ज करने आए थे हम, थाना प्रभारी से बात हुआ, थाना प्रभारी हमारे एफआईआर नहीं लिए। उन्होंने कहे कि अब वो आरा का रहने वाला है, कहाँ स्टूडियो है, जाकर वहाँ आप लोग मारपीट करिए और वहीं अरेस्ट होगा। तो अब बताइए ये इनको थाना प्रभारी कौन बना दिया? हमारे एरिया क्षेत्र है, हम एरिया में एफआईआर होता है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि चले जाओ वरीय पदाधिकारी यहाँ। तो वरीय पदाधिकारी यहाँ जाएँ तो वरीय पदाधिकारी कहेगा कि निचला स्तर पर जाइए, निचला अधिकारी के ऊपर जाइए। अब इस तरह का एफआईआर नहीं ले तो हमको ये लग रहा है या तो थाना डर रही है या तो किसी तरह का समझौता है कि एफआईआर करने लोग आएंगे, आप एफआईआर मत करिएगा। मोटे रकम इनको थाना प्रभारी को मिला होगा इसलिए एफआईआर हमारा नहीं ले रहे हैं। इतने कहने के बावजूद भी कि एरिया क्षेत्र है, एरिया क्षेत्र में है तो हम एफआईआर करने कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि आरा का है तो हमारा जाए। अभी बताया जाए कि इसको इनको ये नहीं समझ आ रहा है और अभी तक ये यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुए। सबसे बड़ी दुखद की बात है, एसपी साहब ये बात को अगर ये बात जाते हैं तो इसमें संज्ञान लें कि पहले तो ये 2-3 वर्ष ले हम मौजूद हैं और यहाँ छोटी सी मारपीट हो अगर दलित वर्ग में, पिछड़े वर्ग में, तो छोटे तबका किसी का पूंजीपति नहीं, छोटे तबका के तुरंत उसके पास जाते हैं और उडंगे की तरह और बदमाशों की तरह पेश आते हैं और तुरंत करेंगे। लेकिन ये एफआईआर करने में कांप रहे हैं हम। बिल्कुल। और ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमको ये कहीं डर इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं ना कहीं ये उन लोगों से मिले जुले हैं या किसी तरह की बात आई होगी कि फ़ोन मत करिएगा इसके लिए, नहीं तो सरकार का दबाव होगा कि एफआईआर नहीं करना है। क्योंकि जो गया है वो सरकार के बल पर गया, उसका औकात थोड़ी नहीं देगा वो गया है, इसलिए यहाँ का थाना प्रभारी और जिसका सरकार में हमारा एफआईआर नहीं ले रहा है। लग रहा कि मिला मोटी रकम लिया, एकदम लिया है, नहीं लेते एफआईआर ले लेते, संज्ञान करते गलती हम है कि वो है। अच्छा अब एफआईआर नहीं लिए तो आप लोग क्या करेंगे? अब जा रहे हैं वरीय पदाधिकारी के यहाँ, जा रहे हैं डीएसपी साहब से मिलेंगे, एसपी से मिलेंगे कि हमारा आवेदन नहीं लिए। और वहाँ पर भी नहीं लिया तो? नहीं लिया तो फिर उसके बाद कोर्ट जाएंगे, रोड पर उतरेंगे और फिर नया लगे तो लास्ट में फिर हम लोग वही करेंगे। अभी तो संविधान के दायरे में होकर बंधे हुए हम लोग, न्यायिक व्यवस्था चाहते हैं, यदि ये नहीं मानेंगे तो वही करेंगे जो किया है। क्या करेंगे सर, आप लोग का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है? एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, रोड पर उतर के हम चक्का जाम करेंगे, थाना प्रभारी थाना को हम लोग जाम करेंगे, रोड को जाम करेंगे, सरकार को क्षति नष्ट करेंगे। और यहाँ के थाना प्रभारी कह रहे हैं कि यहाँ के कान नहीं है, आरा में जाओ, आरा पर करो। मैं थाना प्रभारी से मैं पूछ रहा हूँ, अभी तो चला गया यहाँ से, हमारा आवेदन नहीं लिया हम लोगों का। मैं पूछ रहा हूँ कि एक इसी रौनी के गांव का है मामला, अपहरण केस हम लोग कराए, वो अपहरण केस जाकर दिनारा थाना से हम लोग से मांगा कि आप लोग गाड़ी किराया दीजिए तब हम जाकर उसको गिरफ्तार करेंगे, उसको लेकर आएंगे, जो कि दिनारा थाना से लड़की और लड़का दोनों बरामद हुआ था। यहाँ पर लड़की और लड़का पैसा लेकर दोनों को छोड़ दिया गया और इसी तरह से आप लोग का एफआईआर दर्ज किया। उसी तरह हम लोगों को यहाँ पर शायद सरकार से पैसा लिया होगा या प्रमोद प्रेमी से पैसा लिया होगा, इसीलिए वो हम लोग का आवेदन नहीं लिया। और हम लोग पैसा देने वाले नहीं हैं, हम लोग सामाजिक सेविक हैं, संविधान को मानने जानने वाले हैं, हम लोग सच्चे सिपाही हैं, हम लोग अपने सच्चाई के लिए उतर जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बलेश्वर राम, बहुजन समाज पार्टी के संयोजक मुझे कहते हैं। बिल्कुल। और ये स्थानीय लोग हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि जब किसी की भावना आहत होती है या फिर उसके साथ कुछ अवैध वर्क होते हैं तो उसके लिए वो स्थानीय थाना से कांटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से एफआईआर दर्ज करने गए थे प्रमोद प्रेमी के खिलाफ और पल्ला झाड़ कर यहाँ के यूसुफ अंसारी जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं वो निकल गए हैं। बाकी इसको कैसे देखते हैं कमेंट करना भूलिए। मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी, धन्यवाद।